एंटरटेनमेंट दुनिया की लेटेस्ट अपडेट्स लेकर के मैं कीर्ति एक बार फिर से हाजिर हुआ। ये डालते हैं एक नजर क्या कुछ हो रहा है खास। इस एक्ट्रेस के जन्मदिन पर एक साथ भिड़े थे सलमान खान और शाहरुख। आज ये एक्ट्रेस मना रही है अपना 35वां जन्मदिन। बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में शुमार कैटरीना कैफ आज अपना 35वां जन्मदिन मना रही हैं। फिल्म इंडस्ट्री में कैटरीना कैफ ने करीब 15 साल पहले कदम रखा था। कैटरीना के फिल्मी करियर में कई उतार चढ़ाव भी थे, लेकिन कभी इस अभिनेत्री ने हार नहीं मानी। साल 2003 में फिल्म बूम से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली कैटरीना कैफ की ये पहली फिल्म थी। इससे पहले वो इसी साल जॉन इब्राहिम के साथ फिल्म साया में अपना डेब्यू करने वाली थी, लेकिन कैटरीना ने 2 दिन शूटिंग करने के बाद उन्हें इस फिल्म से हटा दिया गया। कैटरीना कैफ ने महज 14 साल की उम्र में ही मॉडलिंग करियर शुरू कर दिया था। बात करें उनके फिल्मी करियर की तो साल 2003 में डायरेक्टर कायजाद गुस्ताद ने उन्हें फैशन शो के दौरान देखा था और अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म बूम में कास्ट करने के लिए ब्रेक भी दिया। इस फिल्म की रिलीज के बाद कैटरीना को भारत में मॉडलिंग के लिए बुलाया जाने लगा। बता दें कैटरीना को हिंदी बोलना नहीं आता था, जिसके कारण बड़े डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट नहीं कर रहे थे। कैटरीना कैफ को सबसे ज्यादा लोकप्रियता सलमान खान यानी दबंग खान के साथ 2004 में आई फिल्म मैंने प्यार क्यों किया से मिली। इस फिल्म में सलमान खान ने कैटरीना कैफ को बड़ा ब्रेक दिया। इसके बाद दोनों के रिलेशन की भी खबरें सामने आई। मैंने प्यार क्यों किया के बाद से कैटरीना का करियर चमकना शुरू हो गया। इसके बाद साल 2005 में उन्हें लैक्मे इंडिया फैशन वीक का फेस ऑफ द ईयर भी चुना गया। बात करें कैटरीना कैफ के रिलेशनशिप की तो फिल्म इंडस्ट्री में कैटरीना कैफ का नाम अभी तक 2 बड़े स्टार से जोड़ा गया है। करियर की शुरुआत में सलमान खान के साथ रिलेशन को लेकर कैटरीना काफी सुर्खियों में थी। हालांकि दोनों में से किसी ने भी इस रिलेशन के बारे में कोई बात नहीं की। कई साल ये रिलेशनशिप चला और ये बाद में खत्म हो गया। दोनों को कई बार साथ में डेट और वेकेशन पे क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए देखा गया, लेकिन दोनों ने ब्रेकअप भी कर लिया। बढ़ते हैं मनोरंजन की अगली खबर की ओर। अपनी हॉलीवुड फिल्म के सेट पर मस्ती करती हुई नजर आई प्रियंका चोपड़ा। देखिए प्रियंका चोपड़ा की ये तस्वीरें। देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा इन दिनों अपने खास विदेशी दोस्त सिंगर निक जोन्स के साथ अपने रिलेशन को लेकर काफी सुर्खियों में रहती है। जब से प्रियंका को हॉलीवुड में निक के साथ स्पॉट किया गया है, बॉलीवुड में उनकी इस रिलेशनशिप की खबरें हर तरफ हैं। इन सब चर्चाओं के बीच प्रियंका चोपड़ा की कुछ नई तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें वो काफी खूबसूरत और रोमांटिक नजर आ रही हैं। प्रियंका की मस्ती का आलम देखिए। बॉलीवुड डांस के स्टेप करते हुए प्रियंका अलग ही नजर आ रही हैं। दरअसल प्रियंका चोपड़ा की ये तस्वीरें उनकी हॉलीवुड फिल्म इजंट इट रोमांटिक के सेट से सामने आई हैं, जिसकी शूटिंग में प्रियंका चोपड़ा आजकल व्यस्त चल रही हैं। आपको बता दें कि ये प्रियंका चोपड़ा की दूसरी हॉलीवुड फिल्म है। क्वांटिको टीवी सीरीज के बाद उन्होंने बेवॉच से हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर शुरू किया था, जिसमें प्रियंका ने मुख्य विलन का रोल निभाया था। इजंट इट रोमांटिक अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म में प्रियंका के अलावा बहुत सारे विदेशी कलाकार भी नजर आने वाले हैं। ये फिल्म अगले साल वैलेंटाइन डे यानी 14 फरवरी को रिलीज होने वाली है। अपने हॉलीवुड करियर के अलावा प्रियंका चोपड़ा अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं। पिछले कुछ दिनों प्रियंका चोपड़ा निक जोन्स के साथ मुंबई में भी स्पॉट की गई थी और दोनों ने साथ में क्वालिटी टाइम भी स्पेंड किया था। बढ़ते हैं मनोरंजन की अगली खबर की ओर। अर्जेंटीना में कुछ इस अंदाज में कर रहे हैं खतरों के खिलाड़ी एंजॉय। देखें उनकी ये तस्वीरें। खतरों के खिलाड़ी सीजन 9 की शूटिंग अर्जेंटीना में चल रही है। शो के कंटेस्टेंट टास्क के साथ साथ अर्जेंटीना में हैंग आउट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये शो अगले महीने से कलर्स टीवी पे टेलीकास्ट होने वाला है। इस शो में यह मोहब्बते के रोमी यानी एरिगोनी भी हिस्सा ले रहे हैं। अली के अलावा बिग बॉस कंटेस्टेंट विकास गुप्ता और दिल से दिल तक की टेनी यानी जैस्मीन भसीन भी इस शो में नजर आने वाली हैं। कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया भी इस शो में हिस्सा ले रहे हैं। स्टार प्लस के शो नामकरण के नील यानी जैन इमाम और कोरियोग्राफर पुनीत पाठक भी इस शो का हिस्सा बनने वाले हैं। बालिका वधू की आनंदी यानी अविका गौर और हमारी बहू रजनीकांत की रिद्धिमा पंडित भी इसमें टास्क करते हुए नजर आएंगी। इस शो में बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की बहन शमिता शेट्टी और आदित्य नारायण भी नजर आएंगे। बॉलीवुड की ऐसी और भी अपडेट्स के साथ हम हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।